नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। अहमदाबाद के कड़कर क्षेत्र में लाखों रुपए के प्रतिबंधित नशीली दवाओं का जखीरा पकड़े जाने से हड़कंप मच गया है। औषधि विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर दवाओं को जब्त करते हुए एक अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है। दरअसल कड़कर क्षेत्र के गोविंद नगर की गली नंबर 1 में बने एक गोदाम पर पड़े छापे से इलाके में हड़कंप मच गया। औषधि विभाग की टीम ने थाना पुलिस को साथ लेकर जब गली नंबर 1 में रहने वाले जसवीर सिंह के घर में बने दवाइयों के गोदाम पर छापा मारा तो टीम उस समय सन्न रह गई जब गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा मिला। पकड़ा गया है सामान, क्या क्या है, कितने का होगा? ये सारी की सारी नशे के प्रयोग में आने वाली औषधियाँ हैं, लगभग 5 लाख कीमत की हैं और काफ़ी भारी मात्रा में बरामद भी हुई है, जिसमें अगर जो एल्प्रोजराम की 6000 गोलियां हैं और आपका 23-24 हज़ार कैप्सूल जो है ट्रेमाडोल हाइड्रोक्लोराइड के हैं और 1296 बोटलें कोडीन की बरामद हुई हैं। कहाँ से हुई हैं और कोई व्यक्ति का गिरफ्तार तो है? हाँ, इसमें जसवीर सिंह नामक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है जो कि गली नंबर 1 गोविंद नगर से ये घर से बरामदगी हुई है, जो कि नशे के आदि लोगों को ये विक्रय करता था। ये घर से संचालन होता था या कोई मेडिकल है? इसने दिखावे के लिए एक मेडिकल स्टोर खोल रखा है गुलाल गली में, सिंगल मेडिकल के नाम से। अच्छा, तो ये घर से ही संचालित करता था नशे का कारोबार। व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है? व्यक्ति गिरफ्तार हो गया।